Hey guys, welcome back to my channel Love My Life. This is Keethi and I'm here again with a very brand new vlog. So आज है सैटरडे एंड सैटरडे को होती है मेरी वर्क से छुट्टी. सो ऑलमोस्ट हर सैटरडे को मेरा कुछ प्लान फिक्स होता है. तो इस बार सैटरडे को मेरा जो प्लान था वो एक्चुअली मैं फिक्स था, बट बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क्स ये थोड़ा सा डीले हो गया, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है निकलने में. सो इट्स ऑलरेडी 5 इन द इवनिंग एंड अब जो हाँ मैं जाने वाली हूँ, वहाँ जाने के लिए मुझे एटलीस्ट 1 आवर का डिस्टेंस कवर करना होगा. सो लेट्स सी कि हम टाइम पर वहाँ पे पहुँच पाते हैं या नहीं और हमारा दर्शन कैसे होता है. सो बेसिकली इस व्लॉग में मैं मंदिर का दर्शन करने जाने वाली हूँ जो बहुत दिनों से पेंडिंग है. तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा आज का भी प्लान कैंसिल हो. सो आई एम जस्ट रशिंग टू टेम्पल एंड मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं व्लॉग में भी रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज यू नो इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने ऐसा कोई ट्रैवल व्लॉग या बाहर आउटसाइड व्लॉग नहीं बनाया था अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वैक्सीनेशन व्लॉग. बट स्टिल लेट्स सी कि हम आज इस वाले व्लॉग में क्या क्या कवर कर पाते हैं. सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल एंड आई कीप यू पोस्टेड. सो गाइस, जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा दैट आज हम जाने वाले हैं बनारस के बहुत ही फेमस मंदिर जो कि है संकट मोचन मंदिर. सो बेसिकली संकट मोचन मंदिर मेरे घर से काफ़ी दूर है, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि मुझे 1 घंटे के करीब लगते हैं वहाँ पहुँचने में. तो मैंने एक ऑटो हायर की है बिकॉज मेरा स्कूटी से आने का बिल्कुल मन नहीं था. ये बहुत ही पीक टाइम होता है स्पेशली ऑन सैटरडे बनारस की सड़कों पे जब बहुत भीड़ देखने को मिलती है. एंड दैट वॉज द सेम थिंग विच हैपन टू अस क्योंकि हमें काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा एंड इट टुक अस लाइक मोर देन 1 आवर टू रीच देयर. फाइनली हम संकट मोचन मंदिर पहुंचे एंड सैटरडे की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ थी एज यू कैन सी इन दिस वीडियो. सो मैं बहुत टाइम बाद संकट मोचन का दर्शन करने आई थी, सो आई वॉज सुपर सुपर एक्साइटेड. सो गाइस, एज यू कैन सी बिहाइंड मी दिस इज द संकट मोचन टेम्पल जिसकी आपको थोड़ी सी झलक दिख रही होगी. आई विल ट्राई टू जूम इन सो दैट मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ. सो पीछे जो येलो कलर का आपको टेम्पल दिख रहा है बेसिकली वही है संकट मोचन का टेम्पल. एंड एज यू कैन सी देयर इज अ पार्किंग एज वेल. एंड टेम्पल के अंदर सिंस फिल्मिंग इज नॉट अलाउड तो हमें यहाँ पे अपने फोन्स कैमरा सब कुछ लॉकर में जमा करने होते हैं फिर हम दर्शन के लिए जाते हैं. तो मैं मिलती हूँ आपसे दर्शन करने के बाद. सो गाइस, दर्शन तो काफ़ी अच्छा हुआ हमारा. इतनी भीड़ होने के बावजूद हमने मंदिर में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया. सो सिंस हम इतनी दूर आए हैं दर्शन करने तो ये एरिया जो संकट मोचन एरिया है यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी मंदिर हैं जहाँ पे अक्सर मैं आती हूँ. तो मतलब 2-3 टेम्पल्स तो कवर अप करती ही हूँ. तो मेरा टारगेट था त्रिदेव मंदिर, मानस मंदिर, सब कुछ कवर करने का, बट सिंस आई गॉट लेट तो मैंने सोचा है कि मैं एटलीस्ट दुर्गा मंदिर को तो कवर करूँगी ही. तो चलिए दुर्गा मंदिर की तरफ चलते हैं. तो इसलिए हमने एक रिक्शा हायर किया है एंड टू गो टू दैट टेम्पल सो दैट वी कैन जस्ट सेव सम टाइम. बनारस का काफ़ी फेमस मंदिर है एंड काफ़ी सुंदर मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत मंदिर है. तो किसी और दिन हम आएंगे इस मंदिर को भी कवर करने. एंड ये है बनारस का मानस मंदिर. सो मानस मंदिर भी बहुत ही प्यारा मंदिर है, लेकिन हाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मानस मंदिर आना है तो आप दिन में आओ, अच्छा टाइम लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे कई सारी आपको झांकियाँ देखने को मिलेगी एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मंदिर. तो आप दिन में आओगे तो इसकी ब्यूटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी.
एज यू कैन सी यहीं से हमें दुर्गा मंदिर दिख रहा है। इस एरिया को दुर्गा कुंड के नाम से जाना जाता है। दिस इज वेरी फेमस एरिया वाराणसी। सो दुर्गा कुंड, लंका, दीज आर द वेरी फेमस एरियाज ऑफ बनारस, क्योंकि लंका पे ही है हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो गाइस, हम मंदिर पहुंच चुके हैं एंड अब मैं जा रही हूँ मंदिर का दर्शन करने। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, दैट फिल्मिंग इज नॉट अलाउड इन साइड दिस टेम्पल एज वेल। तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए एंड मैं आपसे मिलती हूँ दर्शन करने के बाद। तो ये है बनारस का दुर्गा मंदिर। वैसे तो यहाँ पे फिल्मिंग पहले अलाउ थी, पहले हम फोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते थे, बट तब मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट नहीं की थी तो मेरे पास इसका कोई वीडियो नहीं है। जो मेरे पास एक पुरानी क्लिपिंग थी जब मैं नवरात्रि पे आई थी, जब यहाँ का श्रृंगार काफ़ी अच्छा होता है, वो ऑलरेडी मैंने अपने पुराने एक वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि दुर्गा मंदिर अंदर से कैसा है। सो दुर्गा मंदिर का भी दर्शन हमें हो गया है। नाउ वी आर गेटिंग लेट, तो हमें अब घर चलने की तैयारी करनी चाहिए। Hey guys, I'm back home and I'm super super tired, क्योंकि आज सैटरडे होने की वजह से हर जगह काफ़ी भीड़ देखने को मिली एंड इतने ट्रैफिक की वजह से हमें काफ़ी लेट भी हो गया है। इट्स लिटरली 9:40 एट द मोमेंट, 9:40 PM एंड अब मुझे कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं है। अब मैं एक गर्म पानी पीने वाली हूँ, डिनर करने वाली हूँ एंड रेस्ट करने वाली हूँ। सो यस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि बनारस के और भी वीडियोस आपको अच्छे अच्छे देखने को मिले। एंड ऑलरेडी मैंने बनारस के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे बना रखे हैं, तो अगर आपने उसे चेकआउट नहीं किया है तो गो चेक दैट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।